हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दान सिंह जैसे विरले गायकों के प्रयासों से जिंदा है वाणी गायन। ललित के पवार, चार कैटेगरी के विजेताओं को मिली 1,00,000 की प्रोत्साहन राशि। 15 युवा गायकों को भेंट किए गए वीणा वाद्य यंत्र। दान जी स्मृति मारवाड़ भजनी 2022 पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुआ आयोजित। थार में सदियों पुरानी हमारी पारंपरिक रूप से गाई जाने वाली वाणी परंपरा विलुप्त होने की कगार पर थी, जिसे दान सिंह जैसे विरले भजन सम्राटों ने अपनी गायकी के माध्यम से गांव दाणी तक पहुंचाया और अन्य युवाओं को इस कला से जुड़े रहने के लिए उन्हें संरक्षण व संवर्धन प्रदान किया। ऐसी महान शख्सियत दान सिंह के सदा ऋणी रहेंगे। उक्त उद्धार रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा उनके क्राफ्ट सेंटर बलदेव नगर पर आयोजित दानजी स्मृति मारवाड़ भजनी पुरस्कार में भूतपूर्व IAS एवं कुलपति ललित के पवार ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हमारी धरोहर कला एवं संस्कृति को संजोए रखना हम सभी का कर्तव्य है। वर्तमान पीढ़ी वाणी गायन जैसी समृद्ध कला से दूर होती नजर आ रही है, जिसे रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा प्रोत्साहन के माध्यम से समय समय पर कलाकारों का सम्मान किया जाता रहा और जिसे रूमा देवी फाउंडेशन द्वारा प्रोत्साहन के माध्यम से समय समय पर कलाकारों का सम्मान किया जाता रहा है और हम यह सभी के लिए गौरव की बात है। कार्यक्रम में आशीर्वाद प्रदान करते हुए तारा तारा मठाधीश प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि सदियों से चली आ रही हमारी वाणी गायन परंपरा को संरक्षित करने का जो बीड़ा रूमा देवी फाउंडेशन ने उठाया है, यह आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद संदेश है। इसके लिए हम सभी कला प्रेमी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भजन सम्राट स्वगृह दान सिंह के कार्यों से प्रेरणा लेकर प्रयासरत जरूर रहे। कार्यक्रम में लीलसर मठाधीश महंत मोटनाथ, चंचल प्रागमठ के मठाधीश शंभुनाथ सैलानी, फाउंडेशन के डायरेक्टर फैशन डिजाइनर डॉक्टर रूमा देवी ने भी अपने विचार साझा करते हुए कलाकारों की हौसला अफजाई की। इन्हें मिले 1,00,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। अलग अलग कैटेगरी में चयनित विजेताओं की घोषणा ललित के पवार द्वारा की गई, जिसमें रुपए 1,00,000 की प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए गए। नवोदित कलाकार 13 वर्षीय प्रकाश खट्टू, युवा कलाकार सुरेश कुमार नांद, वरिष्ठ कलाकार की श्रेणी में कुंभाराम धनाऊ, चौहटन व वीणा भजन परंपरा के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विशिष्ट कार्य करने के लिए चंचल प्रागमाठ के मठाधीश शंभुनाथ सैलानी को अतिथियों के हाथों 25,000 रुपए की राशि के चेक प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इन युवाओं को भेंट किए वीणा वाद्य यंत्र और प्रशस्ति पत्र। नई युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करते हुए चयनित प्रतिभावान भजन गायकों को 1,00,000 से अधिक राशि के वाद्य यंत्र भेंट किए गए, जिसमें मते का तला से किशन कुमार, बाड़मेर से डूंगाराम लोहार, उत्तर लाई से तेजाराम निवासी, शास्त्री नगर से कमलाराम माली, आटी से ओमाराम गर्ग, खट्टू से बाल कलाकार प्रकाश, नांद से सुरेश कुमार व अर्जुन राम जानी, बलदेव नगर से महेंद्र सिंह, भाड़का से कुंभाराम गोदारा, महाबार से गणेश भोसिया और पनावड़ा से सुरेश कुमार, सड़पा से केहरा राम मेघवाल को वाद्य यंत्र वीणा व प्रशस्ति पत्र भेंट कर बहुमान किया गया। वहीं जिले के 65 भजन गायकों का स्मृति चिन्ह व शॉल उड़ाकर बहुमान किया गया। इस दौरान कच्छ गुजरात से आए मूरा लाला, मारवाड़ा चौहटन से कुंभाराम, बाल गायक प्रकाश खट्टू सहित दान सिंह मंडली के युवा भजन गायकों द्वारा एक से बढ़कर एक मधुर वाणियों की प्रस्तुतियां दी गई। 82 वर्षीय धनाव के कुंभाराम के साथ कच्छ के मूरा लाल ने सिंधी व मारवाड़ी भजनों की जुगलबंदी कर श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। यह रहे उपस्थित। कार्यक्रम में साध्वी तेजस्वी बहन, बाड़मेर ग्रामीण प्रधान जेठी देवी, किसान कन्या छात्रावास अधीक्षक अमृत कौर, युवा उद्यमी जोगेंद्र सिंह चौहटन, चौहटन प्रधान रूपाराम सारण, पूर्व प्रधान उदाराम मेघवाल, बोरीवाला तला सरपंच खरता राम, NRI एवं युवा उद्यमी हिम्मत कुमार, रिटायर्ड DFO नाथा राम, पुरस्कृत शिक्षक फोरम से सालगा राम परिहार, समाज सेवी इंद्र पुरोहित, हस्तशिल्प निर्माता पीताम्बर खत्री, पुरुषोत्तम खत्री, लक्ष्मण राम भांबू, गोविंद सारण, तेज भारती गोस्वामी सनावड़ा, भोम सिंह सोड़ा गिराब, वेरीसार सिंह राजपुरोहित लंगेरा, मोटाराम सेजू जसाई सहित जिले भर से आए भजनी तथा प्रबुद्ध जन नागरिक मौजूद रहे। अंत में संस्थान सचिव विक्रम सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन जसवंत सिंह बूढ़ी व टिंगल रसावल कवि दीप सिंह भाटी ने किया। जागरूक TV के लिए बाड़मेर से ठाकरा मेघवाल की रिपोर्ट।